हेल्थ समाधान विच तुहाडा स्वागत है। वैसे तो दुध नूं लोक थकान नूं मिटाउण दे लई या फिर ताकत दे लई लैणा पसंद करते हन, लेकिन की तुसीं सोचिया है कि दुध दे नाल शहद लैण दे नाल आपां नूं किन्ना फायदा मिलदा है? नहीं सोचिया होवेगा। इसलिए दोस्तों अज मैं तुहानूं दसूंगा कि दुध दे विच शहद मिला के पीण दे नाल अपने शरीर नूं किन्ने ज्यादा फायदे मिलदे हन। यह सेहत दे लई किसी वरदान तों घट नहीं है, जो कि गंभीर तों गंभीर बीमारी नूं ठीक करन दे लई कारगर साबित हुंदा है। दुध दे विच काफी मात्रा दे विच विटामिन ए, विटामिन डी अते डी दे इलावा कैल्शियम, लैक्टिव एसिड अते प्रोटीन पाया जाता है। अते दूजी और शहद दे विच एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इह जे दे विच इन्हां दोनों नूं मिलाउण दे नाल जदों इन्हां दोनों दे तत् मिलदे हन तां इह एक औषधि बन जाती है। तो दोस्तों आओ जानते हैं गर्म दुध दे विच शहद मिला के पीण दे फायदियां दे बारे दे विच। सब तो पहला इसका फायदा यह है कि यह फर्टिलिटी अते बांझपन नूं दूर करता है। आयुर्वेद दे विच भी शरीर की कमजोरी नूं दूर करन दे लई शहद अते दुध का प्रयोग दस्या गया है। जेकर तुसी कोसे जे दुध दे विच एक चम्मच शहद नूं मिला के पीने हो तो इस दे नाल तुहाडी प्रजनन समर्था बढ़ जाएगी अते शुक्राणुओं की संख्या भी 60 मिलियन तक पहुंच जाएगी। दुध नूं तुसी एक हर्बल दवा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तों अगला है तनाव नूं दूर करन दे लई। जेकर तुसी किसी समस्या नूं लै के तनाव दे विच हो तां दुध अते शहद तुहाडी काफी सहायता कर सकता है। इस दे लई तुसी दुध दे विच शहद नूं मिला के पियो। इस दे नाल तुहाडी तंत्रिका कोशिकाओं नूं अते तंत्रिका तंत्र नूं आराम मिलेगा अते तुसी तनाव तों निजात पा सकोगे। तो दोस्तों इस तों अगला है अच्छी नींद दे विच सहायक है। जेकर तुहानूं रात नूं नींद नहीं आउंदी, तुसी अनिंद्रा दी समस्या तों परेशान हो तां तुहानूं शहद वाला दुध अच्छी नींद लियाउण दे विच सहायक है। इस दे लई तुसी सौण तों 1 घंटा पहला कोसे जे दुध दे विच 1 चम्मच शहद नूं मिला के पियो। इस दे नाल तुहानूं काफी चंगी नींद आवेगी। तो दोस्तों अगला है पाचन नूं बेहतर बनाउण दे लई। दुध दे विच शहद मिला के पीण दे नाल अपनी पाचन शक्ति मजबूत हुंदी है, जिस दे नाल आपां नूं कदे भी कब्ज अते एसिडिटी वर्गी प्रॉब्लम नहीं हुंदी। तो दोस्तों इस तों अगला है हड्डियां नूं मजबूती देण दे लई। तुसी सुनिया होवेगा कि डॉक्टर अक्सर ही हड्डियां दी कमजोरी दे विच दुध पीण दी सलाह दिंदे हन, क्योंकि दुध दे विच कैल्शियम पाया जाता है जो कि तुहाडी हड्डियां नूं मजबूत बनाउण दा काम करता है। अते जे तुसी दुध दे विच शहद मिला के पीने हो तां इसदा फायदा दुगना हो जाएगा, क्योंकि जे हड्डियां दे विच कोई नुकसान होया तां इसदी इह भरपाई भी कर दिंदा है। तो दोस्तों अगला है मानसिक विकारां नूं दूर करन दे लई। इह अपनी शारीरिक अते मानसिक क्षमता दे लई काफी सहायक है। इसदी क्षमता वधाउण दा सीधा असर अपने काम दे उत्ते पैंदा है, जो कि अपने लई बहुत ही सकारात्मक है। तो दोस्तों अगला है शरीर दे विच एनर्जी लैके आउण दे लई। जेकर तुसी काम करके काफी थक जाने हो तां दोस्तों थकान नूं दूर करन दे लई तुहानूं कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने पैणगे। तुसी गर्म दुध दे विच शहद नूं मिला के पियो, तुहाडे शरीर दे विच एनर्जी दोबारा आ जाएगी। वैसे दोस्तों गर्म दुध दे विच शहद मिला के सवेरे सवेरे बच्चियां नूं भी देना चाहीदा है। इस दे नाल उहनां दे दिन दी शुरुआत काफी चंगी होवेगी। तो दोस्तों अगला है कैंसर अते दंदां दे लई उपयोगी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪਸ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।